बाय बाय पटना, बहुत जल्द मिलते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अभी मैं हूँ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे, और आज का जो जर्नी है वो पटना टू रांची होने वाला है, जिसका ट्रेन नंबर है 18623, जो कि इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देते रहूंगा, तो इस ब्लॉग में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इस ट्रेन के रनिंग का, तो ये जो ट्रेन है डेली शाम में 6:45 में इस्लामपुर से चलकर अगले दिन सुबह 8 बजे हटिया को पहुंचाती है। बट आज जो ये ट्रेन है ना, अभी 2.5 घंटे डिले चल रही है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। हम लोग 1 घंटे से आकर वेट कर रहे हैं पटना जंक्शन पे, तो देखते हैं कब तक ट्रेन आती है और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फाइनली अपनी ट्रेन पूरे 3 घंटे डिले के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ चुकी है, और इसमें कानपुर का WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। सो फाइनली अपनी ट्रेन पटना जंक्शन से निकल चुकी है। बाय बाय पटना, बहुत जल्द मिलते हैं। अभी अपना जो ट्रेन है तरेगना जंक्शन पे पहुंच चुका है। चलिए अभी तो तरेगने क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग तरेगना जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। अभी जो अपनी ट्रेन है वो जहानाबाद जंक्शन पे पहुंच चुकी है। ये रहे संजय भाई, क्या हुआ? हाय भाई, चाय पी लो। चाय पिला रहे हैं इतना रात में, पिला ही दीजिए सही में एक आध कप। अभी अपना ट्रेन जहानाबाद जंक्शन से डिपार्ट हो चुका है। सो अभी अपनी जो ट्रेन है गया जंक्शन पे आ चुकी है, और इसका स्टेशन कोड है GAYA
यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स है और ट्रैक्स की बात करूँ तो टोटल 14 ट्रैक्स हैं। और ये जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर में आता है और इसका जो यहाँ पे स्टॉपेज है टोटल 20 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे, इसका इंजन चेंज होगा। तो चलिए अब इसके डिपार्चर पे आपसे मिलते हैं। तो आज का जो जर्नी है वो स्लीपर क्लास में होने वाला है और अपना जो सीट मिला है वो RSC सीट है। हम दोनों को एक ही सीट पे एडजस्ट करके किसी तरह रांची तक जाना होगा। चलिए देखते हैं किस तरह जर्नी कटता है। फाइनली अपनी ट्रेन गया जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है। चलिए अब आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे मिलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी रात में 2.5 घंटे या 2 घंटे सोया होऊंगा, जिसमें 3-4 हॉल्ट या स्टेशन स्किप कर दिया हूँ, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो। सो इसका स्टेशन कोड है GMO और यह धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस पे टोटल प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 6 प्लेटफॉर्म है एंड टोटल ट्रैक्स 9 है। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए चाय या कॉफी लेते हैं और उसके बाद आपसे डिपार्चर पे मिलते हैं। तो अपनी ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन यानी गोमो से डिपार्ट हो चुकी है। चाय जो है ना एक नंबर बना है। सुबह सुबह अगर ऐसा चाय मिल जाए तो और क्या कहना है। चलिए चाय पीते हैं और आपसे नेक्स्ट जंक्शन या स्टेशन जो भी आता है वहाँ मिलते हैं आपसे। अभी हम लोग चंद्रपुरा जंक्शन पे आ चुके हैं। इसका स्टेशन कोड है CRP। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर।
सो अभी हम लोग बोकारो स्टील सिटी जंक्शन पहुंच चुके हैं और यहाँ का स्टेशन कोड है BKAC। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है और यहाँ पे सिर्फ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। सो अभी अपनी ट्रेन रांची से एक स्टेशन पहले मुरी जंक्शन पे पहुंच चुकी है और इसका स्टेशन कोड है MURI। यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म 3 है और यहाँ पे सिर्फ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और मुरी जंक्शन जो है ये रांची डिवीजन के अंदर में आता है। कोई डिस्टर्ब नहीं। फाइनली अभी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट रांची में पहुंच चुके हैं। इसका स्टेशन कोड है RNC और यहां पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और ये जो है रांची डिवीजन के अंदर में आता है। और अगर बात करें इस ट्रेन की ना, इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस की, तो ये टोटल 3.5 घंटे डिले थी बट यहां पे मात्र 20 मिनट डिले पहुंचाई है। तो रात में जो ये ट्रेन दौड़ी है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल कवर किया है। सो इस ट्रेन का पंक्चुअलिटी का पता तो आप लोग को चल ही गया होगा। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि और क्या कुछ ऐड करना चाहिए था। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।